नमस्कार मित्रों, दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा और संस्कृति की आवाज, ये है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 MHz की रेडियो तरंगों पर आप इसे सुन पा रहे हैं। कार्यक्रम चल रहा है कुछ कहती हैं किताबें, और इस कार्यक्रम में आज हमारे खास मेहमान वो हैं अमृता पांडे जी, जो कि लेखिका हैं। उनकी पहली कहानियों की किताब प्रकाशित हुई है प्रलय प्रकाशन से, सिसकती सांकले नाम से। अमृता जी हल्द्वानी में रहती हैं इस वक्त। एमए इन्होंने अंग्रेजी साहित्य से किया है, बीएड किया हुआ है, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में से पहले पढ़ा चुकी हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल में लगभग 20 सालों तक पढ़ाया है, अल्मोड़ा में जन्मी है, और अखबारों में अमर उजाला, दैनिक जागरण, जितने भी अखबार हैं, पत्रिकाएं हैं, उन सब में आपकी लगातार रचनाएं जो है प्रकाशित होती हैं। और आजकल पिछले कुछ सालों से जो ये ऑनलाइन वेबिनार्स का या तमाम इन चीजों का जो दौर चला है, तो ऑनलाइन भी काफी एक्टिव रहती हैं। और लेखन और समाज सेवा के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 का गांधी आदर्श पुरस्कार से आप सम्मानित हो चुकी हैं, और बहुत ही एक सहृदयी महिला हैं। और ये किताब जो कहानियों की है, ये लगभग पहाड़ की कहानियां हैं, पलायन की इसमें कहानियां हैं, और पहाड़ का जो पूरा परिवेश होता है, शिक्षा हो या पहाड़ की जो तमाम सारी पात्र हों, उन सब पर ये कहानियां लिखी गई हैं। तो आज इस किताब पर हम चर्चा करेंगे। अमृता पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सुनीता जी। जी तो अमृता जी, बहुत मौके से काफी अरसे के बाद आप स्टूडियो में आखिर आ ही गई हैं। हम लोग बहुत समय से इंतजार आपका कर रहे थे। तो पहली किताब जब प्रकाशित होती है तो कैसा लगता है एक लेखक को? तसल्ली सी होती है कि कुछ पाठकों के बीच हमने। बिल्कुल बिल्कुल सुनीता जी, कहा जाता है कि जो हमारी किताब होती है वो एक बच्चे की तरह होती है लेखक के लिए। क्या बात है। तो पहली पुस्तक आना तो बहुत खुशी की बात है किसी भी लेखक या लेखिका के लिए। जी जी जी, मतलब काफी प्रोत्साहन खुद को एक मिलता होगा उससे कि मतलब बिल्कुल मतलब जैसे पहले तो जब पहली कहानी आपने लिखी होगी तब आपको लगा होगा कि हाँ मैं कहानियां लिख सकती हूँ। और फिर कई लोगों ने उसमें जब अपनी प्रतिक्रियाएं दी होंगी तो उससे उत्साह बड़ा होगा। फिर लिखने का दौर जारी हुआ तो कुछ और कहानियां लिखी, और फिर जब आखिरकार किताब की फॉर्म में आ गई तो फिर एक बड़ा क्षण तो लेखक के लिए होता ही है। बिल्कुल जी। तो अमृता जी, कब से लिखना शुरू किया है? क्या काफी बचपन से ही आप लिखती रही है? और जाहिर सी बातें लिख रही हैं तो अंदर कुछ ना कुछ द्वेलना होगी समाज के प्रति, उन पात्रों के प्रति। कहाँ से हुई है लिखने की शुरुआत? सुनीता जी, ये तो नहीं कहूँगी कि बचपन से लिखती आ रही हूँ, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि मैंने 20 साल शिक्षण कार्य किया है, तो उसके साथ में लिखना पढ़ना भी चलता रहता था, और लिटरेचर सब्जेक्ट पढ़ाती थी तो उसमें कविता, कहानियाँ सभी कुछ उसमें होती हैं। जी जी जी। और इसके साथ साथ 8 साल आकाशवाणी में काम किया, तो उस दौरान भी स्क्रिप्ट राइटिंग तो हमें करनी ही होती थी। जी जी। और उस समय तो ये था कि आजकल तो आप गूगल सर्च कर लेते हैं, लेकिन वो ज़माना जो था उस वक्त ये सुविधाएं नहीं थी। लाइब्रेरी में जा जा के हम मैटर कलेक्ट करते थे और फिर अपने स्क्रिप्ट तैयार करते थे। ओ, अच्छा। तो लिखने का एक जो क्रेज था या जो इच्छा थी वो तो मन में शुरू से ही थी, लेकिन उसे कभी संकलित नहीं किया था। डायरियों में कुछ लिख लिया फिर वो कहीं रख दिया। इधर पिछले कुछ 7-8 साल से लिखने की ओर थोड़ा सा गंभीरता से सोचा, जब थोड़ा सा घर के कामों से आप जिम्मेदारियों से फारिग हुई। ये भी वजह थी कि थोड़ा बच्चे बड़े हुए और अपनी नौकरी भी मैंने छोड़ दी। जी। तो फिर मैंने लिखने की ओर कदम बढ़ाए। जी जी। पहली कहानी कब लिखी होगी? पहली कहानी क्या थी? वो पहली कहानी मेरी थी उजियारी सुबह। पहली कहानी मेरी उजियारी सुबह थी। जी। वो और ममता का आंगन, दो कहानियां मैंने साथ लिखी थी। और ये कहानी मैंने सबसे पहले भेजी थी दिल्ली प्रेस को। तो एक कहानी मेरी सरिता में प्रकाशित हुई और एक गृह शोभा में प्रकाशित हुई। जी जी जी। तो इससे थोड़ा मुझे उत्साह बढ़ा। जी। क्योंकि सभी लेखक जो शुरुआत करते हैं वो कहते हैं कि दिल्ली प्रेस से ही उनकी शुरुआत होती है। जी जी बिल्कुल। तो दोनों कहानियां मेरी वहां पर सैंक्शन हुई और प्रकाशित हो चुकी हैं। तो तब फिर एक उत्साह बढ़ा कि फिर उत्साह बढ़ा कि मैं लिख सकती हूँ। जी जी। तो अभी तक कितनी कहानियां लगभग आप लिख चुकी हैं? सुनीता जी, लगभग 35-40 कहानियां मैंने लिखी होंगी। जी। और इसमें कितना प्रकाशित हैं? हाँ, जिनमें से 13 कहानियां इस संकलन में हैं। जी। तो ये इसमें से सिलेक्ट करना क्या मुश्किल काम था बहुत, कि किन रचनाओं को इसमें शामिल करूं, किसको छोड़ूं, या आसानी से ही काम हो गया था, या खुद ही आपने ये किया या किसी और को ये काम आपने दिया था? हाँ, थोड़ा मुश्किल तो लगता है, कई बार होता है कि अपनी सभी रचनाएं अच्छी भी लगती हैं। जी जी। लेकिन कुछ बाध्यताएं ये थी कि दिल्ली प्रेस में हम लोग जो रचनाएं लिखते हैं देते हैं, कुछ समय तक उन रचनाओं को हम कहीं और नहीं भेज सकते। अच्छा। उसका कॉपीराइट वो खुद अपने पास रख लेते हैं। जी। और इसमें क्योंकि इस ये जो कलेक्शन है, इसमें मैंने कोशिश की है कि जो कहानियों में गांव से रिलेटेड हैं
रूरल एरिया से रिलेटेड जो विषय हैं उनको ही रखा जाए, जी तो संकलन में बहुत अधिक मुश्किल मुझे नहीं आई। नहीं हुआ, जी। तो सिसकती सांकलें नाम रखने के पीछे क्या वजह थी? हाँ, सिसकती सांकलें मैंने इस किताब के लिए 4-5 नाम सोचे थे। सिसकती सांकलें मेरी एक कहानी है, इसी में एक गांव की मौत। उस कहानी में, वो पलायन की कहानी है, उसमें परिवार का बेटा दिल्ली में रहता है, वहाँ रहकर नौकरी करता है, जैसे हमारे गांव के अधिकतर सभी परिवारों में हम देखते हैं कि परिवार का एक सदस्य बाहर जाके नौकरी करता है, माता पिता पत्नी बच्चे घर में होते हैं। बिल्कुल। तो घर में जो सांकल लगी हुई है जी, वो उसकी उसकी रुदन कोई नहीं सुन रहा, एक तरह से कहने का उसकी रुदन सांकल ये था कि जैसे बेटा दिल्ली में नौकरी करता है, माता पिता और बच्चे पत्नी गाँव में रहते हैं, कुछ समय के बाद माता की मृत्यु हो जाती है, तो बेटा अपने पिता से कहता है कि जब माँ की बारसी हो जाएगी, 1 साल पूरा हो जाएगा, तो मेरी पत्नी कमली और इसके बच्चे और जो मेरे बच्चे हैं वो भी दिल्ली चल के वहीं पढ़ेंगे, गांव में पढ़ाई की सुविधा नहीं है तो वहीं पढ़ेंगे। और पिताजी से कहता है कि फिर आप यहाँ अकेले कैसे रहोगे, आपको भी चलना पड़ेगा। पिता बहुत मना करते हैं, लेकिन आखिर कोई चारा नहीं रहता तो उन्हें भी जाना पड़ता है। जिस दिन वे लोग जा रहे होते हैं, तो जब दरवाजे में जो साकल चढ़ी उसकी जो आवाज आई, तो उससे उस बूढ़े आदमी की आंखों में नमी आ गई, आंसू आ गए। तो इसी से मैंने ये कहानी का शीर्षक जाके आपने सोचा है। जी, कोशिश तो की है। जी, क्योंकि वाकई में वो जो क्षण होता होगा आखिरी, जब हम सांकल लगाते हैं और उसमें ताला लगा रहे होंगे, खासकर बुजुर्गों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, युवाओं, हाँ, युवाओं के लिए तो फ्यूचर है उनका, उनका तो भविष्य तो उन्हें तो जाना ही और है। बुजुर्ग के पास तो अतीत की यादों के सिवा कुछ होता कुछ नहीं है। तो वाकई एक बड़ी सुंदर आपने नाम दिया है इस किताब को। तो कहानियां जब आप पहाड़ की लिखती हैं, तो क्या आपको मतलब पहाड़ी परिवेश को आप अरसे से देख रही हैं, अल्मोड़ा में आप रह रही हैं अरसे से, तो हालांकि आप शहर में रही हैं, फिर भी आप देखते होंगे कि पहाड़ की लड़कियों के क्या इश्यूज हैं, कितना दूर से घर का काम करके वो स्कूल तक पहुंचती हैं, तो क्या स्कूली लड़कियों को भी आपने किसी कहानी का पात्र बनाया है? स्कूली लड़की भी मेरी कहानी का पात्र है। दरअसल थोड़ा सा इसका संदर्भ देना चाहूँगी जी, कि मैं अल्मोड़ा शहर में पली बड़ी हूँ और मेरे माता पिता भी अल्मोड़ा शहर में ही जन्मे हैं, वहीं पले बड़े हैं और अधिकतर नौकरी भी वहीं की है दोनों ने। और जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो अधिकतर लड़कियों के गांव होते थे कहीं ना कहीं, और जब वे गांव से आती थी तो अपने गांव से कुछ सामान वगैरह लाती थी, खाने पीने की चीज़ें स्कूल में मिल बांट के खाते थे, तो वो मुझसे पूछती थी कि तेरा गांव कहाँ है। उस वक्त मैं चुप हो जाती थी, क्योंकि मैंने तो अपना गांव देखा ही नहीं था, गांव कभी गई नहीं थी, रही नहीं थी। वैसे मेरा जो पैतृक गांव है वो अल्मोड़ा के ही पास 10 किलोमीटर दूर खूंट, आपने नाम सुना होगा, क्योंकि गोविंद वल्लभ पंत जी की जन्मस्थली है, वही मेरे पिता का पैतृक गाँव है, लेकिन रहना वहाँ कभी हुआ नहीं। उसके बाद जब थोड़ा बड़े हुए तो वहाँ जाना आना शुरू किया, और मैंने एक अल्मोड़ा में रहते हुए एक प्रोजेक्ट वर्क किया था जिसमें गांवों में जाना था। अच्छा। गांवों में जाना था, वहाँ के बारे में कुछ डेटा कलेक्शन करने थे, तो वहाँ पर भी मैंने गांवों की समस्याएं देखी, और उसके बाद तो फिर गांवों के बारे में पढ़ा और बहुत कुछ देखा। बिल्कुल। तो मैंने इसी पर लिखने की कोशिश की। जी, तो अमृता जी, 11 कहानियां आपकी हैं, बरगद की 13 कहानियां, सॉरी, बरगद की छांव, सोचा न था, ओस की बूंद, अनोखी प्रेम गाथा, एक गांव की मौत, विक्षिप्त कौन जी, सरुली और चाय की केतली, संयोग, उकाब, कर्म की परछाई, प्रारंभ, प्रारब्ध, 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 कुंडली और मनुषा। तो ये जो नाम जिस तरह के दिख रहे हैं, क्या उसी तरह की थीम उसके अंदर कंटेंट है? जैसे कि विक्षिप्त कौन में आपने क्या किसी विक्षिप्त महिलाएं जो हैं उनका जिक्र आपने किया है, जैसा कि अल्मोड़ा में हमें एक महिला अक्सर दिखती थी विक्षिप्त, वो एक कोने में बैठी रहती थी, या हर शहर में मिल जाती हैं इस तरह की महिलाएं, और तो क्या इस तरह का कोई जिक्र है इस कहानी में? हाँ, विक्षिप्त कौन जो है वो एक महिला की कहानी है। वास्तव में ये महिला विक्षिप्त तो नहीं थी, लेकिन कई बार ये होता है कि आदमी की परिस्थितियां उसे विक्षिप्त या पागल बना देती हैं। ये कहानी एक ऐसी महिला की है जो गांव में रहती थी और संपन्न परिवार था गांव का, गांव में जिस तरह की भी संपन्नता मानी जाती है उस सेंस में संपन्न परिवार था। महिला के पति की मृत्यु हो जाती है और एक छोटा बच्चा होता है, उसकी भी मृत्यु हो जाती है। पति की मृत्यु के कुछ महीनों बाद महिला का एक पुत्र और होता है, वह 20-21 साल का होता है, तो उसकी भी मृत्यु हो जाती है किसी बीमारी से। जी।
जी। उसे बुखार आता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो महिला के पास रोजगार का तो कोई साधन था नहीं। कुछ जेवर वगैरह जो उसने कहीं पर बचा कर छुपा कर रखे थे, उसकी सारी प्रॉपर्टी जो कुछ भी जमीन वगैरह थी वो रिश्तेदारी में इधर उधर सब लोगों ने खुर्द बुर्द कर दी। थोड़ा बहुत उसका जो जेवर बचा हुआ था वो उसको पैसों की ज़रूरत पड़ी, तो वो ग्राम प्रधान से बात करती है। वो उसे एक बाबा से मिलने की बात करते हैं, किसी मंदिर में कोई बाबा आए होते हैं। तो महिला बाबा के पास जाकर अपने जेवर ले देती है और कुछ पैसे उनसे ले लेती है, जैसा गिरवी प्रथा पहले से चलती थी जी। उसके कई सालों बाद जब महिला के पास थोड़ा बहुत पैसा जमा हो जाता है तो उसे पता चलता है कि बाबा फिर से किसी मंदिर में आए हैं। उनके पास जाती है, बाबा उसे पहचानने से मना कर देते हैं और कौन से जेवर क्या जेवर करके उसे पहचानने से मना कर देते हैं। तो ये कहानी थोड़ा बहुत वास्तविकता पर आधारित भी है। अच्छा। मैंने इस तरह की घटना अपने बचपन में सुनी है, देखी है जी जी। तो ये वास्तविकता पर आधारित भी कहानी है। उसके बाद क्या वो विक्षिप्त हो जाती है महिला? महिला तो थोड़ा बहुत विक्षिप्त पहले से ही थी, जी क्योंकि जी। जिस महिला के पति की असामयिक मृत्यु हो जाए, एक दो बच्चों की मृत्यु हो जाए, तो और गांव में सब उसे पगली करके बोलते थे उस महिला को, तो वो महिला तो वैसे ही विक्षिप्त हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो आपकी कहानी के पात्र होते हैं, क्या ये रियल पात्र होते हैं जिनको आप थोड़ा कल्पना के साथ फिर गढ़ती हैं? हाँ बिल्कुल, ऐसा ही मानिए कि कहीं ना कहीं इनमें सच्चाई जरूर है, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि कल्पना के कल्पतरु के नीचे बैठकर तो बहुत कुछ रचा जा सकता है दुनिया में। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन लेखक का ये भी कर्म है कि जो सच्चाई है, समाज की वास्तविकता है, वो समाज को जी दिखाया जाए। दिखाया जाए जी। जैसे कि मुक्तिबोध कहते हैं कि आ तुझको मैं सैर कराऊं, घर में घुसकर क्या लिखता है। बिल्कुल। तो जमीन पे लोगों के पास जाना भी जरूरी है, वहीं से आपको बहुत सारी वहीं से प्रेरणा मिलती है, वहीं से पात्र मिलते हैं। जी जी। तो और जो कहानियां हैं इसकी कुछ आप बताना चाहें किसी खास कहानी के बारे में? जैसे कि एक गांव की मौत आपने लिखा है, तो जाहिर सी बात शायद पलायन पर ही होगी। गांव की मौत तो वही कहानी है जिसका मैंने शीर्षक जी जी सिशक्ति सांकलन करके रखा है। जी जी। और उकाब है, प्रारब्ध है, कुछ कहानियां अगर आप बताना चाहें क्या है इनमें? प्रारब्ध जो कहानी है ये, इसको मैंने लेखिका को ही इसमें एक पात्र बनाया है कि लेखिका अच्छा। अपना गांव छोड़कर बहुत समय पहले दिल्ली में बस जाती है अपने परिवार के साथ, और जब कोरोना आता है, कोरोना वायरस का जब प्रकोप आता है, तो फिर वापस कुछ दिनों के लिए गांव जाते हैं वो लोग जी। तो गांव में गोपाल एक लड़का रहता है जो खेती बाड़ी और किसानी करता है, बहुत कम पढ़ा लिखा है वो, और वहीं पर खेती करता है। उसकी एक पत्नी होती है और एक बेटा है। तो जब लेखिका उसको अपने आने की खबर देती है तो गोपाल बड़ी खुशी खुशी उनका सामान लेने 3-4 किलोमीटर चढ़ाई चढ़कर ऊपर जाता है, उनका सामान लेकर घर पहुंचाता है, उनके घर को साफ सुथरा करता है और अपने घर से खाना बनाकर उनको खिलाता है। गोपाल की पत्नी बीमार रहती है, लेकिन गांव में जो है सुविधा नहीं थी, अस्पताल की सुविधा नहीं थी, सामुदायिक केंद्र थे तो वहां पर डॉक्टर नहीं थे। और इसी दौरान गोपाल ने जो किसान आंदोलन चला था जी। उसके बारे में भी सुना था जी। मोबाइल वगैरह तो गोपाल के पास था नहीं, लेकिन वो अपने गांव से ऊपर जब 3-4 किलोमीटर ऊपर चढ़कर दुकान में जाता है तो वहां पर दुकानदार के पास में मोबाइल जरूर था, जिसमें सभी लोग मिलकर जमा होकर किसान आंदोलन के बारे में वीडियो या जो कुछ भी समाचार होते थे वो देखता है। गोपाल की भी बड़ी इच्छा थी कि वो भी एक बार किसान आंदोलन में शामिल हो जाए, क्योंकि पहाड़ में भी गांवों में भी किसानों को बड़ी परेशानी है, ताकि सरकार तक उनकी भी आवाज़ पहुंचे। जी। वो लेखिका से कहता है कि दीदी आपकी तो बहुत बड़ी गाड़ी है, आप मुझे भी जब लौटोगी तो दिल्ली अपने साथ ले जा लो, और जहाँ किसान आंदोलन होगा वहां पर मुझे उतार देना। अब लेखिका थोड़ा सा परेशान हो जाती है, क्योंकि गोपाल जो था वह किसान था, उसके कपड़ों से भी बदबू आती थी, गोबर का भी काम करता था, खेती का भी काम करता था, कैसे उसको अपने साथ गाड़ी में बिठाया जाए, अपनी नई गाड़ी में। थोड़ा परेशान होती है तो कई बहानों से उससे कहती है कि गोपाल देख, इतना कोरोना फैला है तो कैसे दिल्ली चलेगा, और भगवान तो गंजे को नाखून भी नहीं देता, तो तू वहां क्या करेगा, तेरे पास ना पैसा ना कुछ, और तू वैसे इतना मरियल सा है, दुबला पतला, और तेरी पत्नी बीमार है घर में, इसकी कौन देखभाल करेगा। तो वो कहता है कि दीदी एक बार किसान आंदोलन थम जाए फिर मैं इसको कमली को कहीं अच्छी जगह दिखा लूंगा। इस तरह से अब लेखिका मजबूर हो जाती है कि उसको ले जाना पड़ता है अपने साथ।
गोपाल को अपनी कार में बिठा कर ले जाती है और गाजीपुर बॉर्डर पर उतार देती है। एक उसका कंबल और एक स्वेटर जबरदस्ती दे देती है, उतार देती है। दो तीन दिन बाद गोपाल का फोन आता है कि दीदी ठंड तो बहुत है, दिसंबर का महीना था, कि दीदी ठंड बहुत है लेकिन आंदोलन की गर्मी इतनी है कि ठंड का कोई असर नहीं हो रहा है। जी और अब जब लौटूंगा उससे पहले एक दिन तुम्हारे घर भी आकर रहूंगा, अच्छा तुम्हारा घर देखूंगा कि कैसा घर है दीदी का दिल्ली में, और गांव में जाकर लोगों को बताऊंगा। और फिर लेखिका के माथे पे बल पड़ जाता है जी कि 3 कमरों का फ्लैट है जिसमें एक कमरा अपना, एक बच्चों का और एक आने जाने वाले मेहमानों का ड्राइंग रूम, तो गोपाल को कहाँ सुलाएंगे, कहाँ रखेंगे उसको। वो उसकी बात का कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देती है और गोपाल की ओर से ही फ़ोन कट जाता है, शायद वो कुछ समझ जाता है। फिर एक दो दिन बाद लेखिका के पति उसको आवाज़ देते हैं, वो किचन में होती है, कि देखो देखो गोपाल कैसे मीडिया के सवालों का जवाब दे रहा है। गोपाल बहुत अच्छे तरीके से मीडिया के सवालों का जवाब दे रहा था, जिसमें वो अपने किसान भाइयों से कहता है कि किसी तरह की हिंसा नहीं करनी है और सरकार का पक्ष भी सुनना है। दोनों बड़े प्रभावित होते हैं, पति पत्नी, गोपाल की ये बात देखकर। एक आध दिन बाद लेखिका समाचार पत्र में पढ़ती है कि बहुत ठंड से किसी किसान की मृत्यु हो गई है। उसको थोड़ा सा शंका होती है मन में, वो कहती है कि मेरा ये संदेह गलत साबित हो, लेकिन उसका संदेह जो है वो सही साबित हुआ। ये जो किसान था ये गोपाल ही था। अब लेखिका थोड़ा दुखी तो होती है, सोचती है, उसको ध्यान आता है कि उसकी पत्नी कमली का क्या होगा, उसके बेटा चनिया का क्या होगा, क्योंकि पत्नी बीमार है और बेटे की पढ़ाई लिखाई के लिए वो इतना चिंतित था, इसका क्या होगा। लेकिन फिर लेखिका को भी अपना स्कूल जाना था, उसको अपने बच्चों को स्कूल छोड़ना था, तो वो कहाँ इन बातों में लगी रहती। उसकी भी मजबूरी थी, उसकी अपनी बातें थी, तो वो सोचती है कि गोपाल का प्रारब्ध, उसकी पत्नी और बच्चों का प्रारब्ध तो ईश्वर ने पहले ही सोचा होगा, तो वो अपने काम धंधों में लग जाती है। मतलब कहानी का यही मतलब है कि कई बार हम लोग टाल जाते हैं, बिल्कुल तो असंवेदनशील हो जाते हैं दूसरों की परेशानियों से। भी एक कल्पना आपकी थी एक तरह से। जी जी, तो बहुत ही मार्मिक माहौल आपने बना दिया है और बहुत सुंदर आपका तरीका भी है कहानियों के वाचन का या उनको समझाने का। धन्यवाद। हाँ, बहुत शानदार। जब एक लेखक लिखता है तो आपको लगता है कि संवेदना की एक अलग ही एक स्पेस, एक जगह पे वो पहुंच जाता है और जहाँ पे वो पूरा चीज़ों को एनालाइज भी कर रहा होता है, समाज के बुरे पक्षों को भी देख रहा होता है, हर तरह से सोच रहा है समाज, न्यू जनरेशन जो है, गाँव के लोग हैं, जिस तरह से आपने इस कहानी में दिखाया। और कौन कौन सा ऐसा माहौल होता है जो आपको लिखने के लिए उद्वेलित करता है, या लिखने की जब आप बैठती हैं तो सब काम निपटा के फुर्सत से बैठती हैं, या अचानक से दिमाग में कोई ख्याल आया और लिखने बैठ जाती हैं? सुनीता जी, लिखने जो बैठती हूँ वो तो आराम से ही बैठती हूँ, लेकिन जो अचानक ख्याल आने वाली बात है वो भी आते रहते हैं। मैंने अपनी इस किताब की प्रस्तावनाएं में लिखा है कि कई बार जब चकला बेलन पे हाथ चल रहे होते हैं, कर्तव्य दिखा रहे होते हैं, तो तब भी मन में विचार आ जाते हैं। जी जी जी। तब भी मन में विचार आ जाते हैं, अगर तुरंत जाकर उनको कहीं पर नोट कर लो तब तो सही है, वरना वो कहीं फिर उड़ से जाते हैं। जी, बिल्कुल। इसी तरह से किचन में, बाथरूम में, कभी सोते समय रात को नींद ना आ रही हो तो भी कई इस तरह के ख्याल आ जाते हैं। कोई प्लॉट मन में बन जाता है और उनको अगर कागज में उतार लो, ध्यान में रख लो, तो फिर वो याद रहते हैं, वरना फिर भूले जाते हैं। बिल्कुल। तो अमृता जी, जिस तरह से आज महिलाएं लिख रही हैं, एक पूरा स्त्री विमर्श एक चल रहा है जो कि आज से 10-20-30-40 साल पहले तक बहुत कम था, अब तो विमर्शों की एक तरह से बाढ़ भी है, दलित विमर्श है, आदिवासी विमर्श है, अब थर्ड जेंडर विमर्श भी नया आ रहा है, तो इन विमर्शों से आपको लगता है कि जो मुख्यधारी, जो हाशिए के हम तमाम सारे लोग थे, उनको एक मुख्य धारा में आने का मौका मिला है? अभी तक हम जो जो भोक्ता होती थी, जो भुगत रही होती थी उन परिस्थितियों को, उन पर कोई और आदमी लिखा करता था, लेखक लिखा करता था, आज जो भोगने वाली जो महिला है वो खुद लिख रही है, तो उसके लेखन में वो आग, वो दर्द आपको लगता है कि वो दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, परिवर्तन तो काफ़ी आया है इधर कई वर्षों में। हालांकि यह है कि पूरी तरह से जो प्रथा इतने वर्षों से चली आ रही है उसको बिल्कुल बदलने में तो टाइम लगेगा। जब तक आखिरी पायदान तक की महिला शिक्षित नहीं हो जाएगी, अपने अधिकारों को नहीं समझने लगेगी, तब तक परिवर्तन आना मुश्किल है। लेकिन मैं इस मामले में बहुत आशावान हूँ, बहुत परिवर्तन आ रहा है। आज मैं गांव की महिलाओं को भी देखती हूँ कि वो अपने अधिकारों के प्रति सचेत हैं, सजग हैं, तो मुझे लगता है काफ़ी परिवर्तन आ रहा है। और जैसा आपने थर्ड जेंडर की बात की,
तो थर्ड जेंडर को भी अब काफी प्रोत्साहन मिल रहा है। सरकार की भी कई योजना है। मैं अभी दिल्ली में मेट्रो में देख रही थी, सेक्टर जी 50 की बात है शायद, जी नोएडा, जी कि वहां पर तो अब थर्ड जेंडर टिकट काउंटर में भी बैठे हैं। और अच्छा, तो ओ ये भी एक सुखद पहलू है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो एक नेचुरल चीज़ है, वो किसी की हाथ से बनाई हुई जैसी बिल्कुल चीज़ नहीं है कि आप उनको लानत मलानत भेजें। नहीं, बिल्कुल वो भी हमारे ही जैसे लोग हैं। और ये बिल्कुल, जिस चीज की वो सजा भुगतते हैं उनका कहीं पर भी उसके दोष दोष नहीं है। नहीं है। बिल्कुल, जी तो आज जो महिलाएं लिख रही हैं, जैसे कि हम ममता कालिया की कविताएं जब पढ़ते हैं कि मैं आटे में छन गई, पुदीने में पिस गई, बहुत सारी अच्छी अच्छी रचनाएं लिखी जा रही हैं। उन्हीं की एक रचना है कि 35 साल मैंने घर चलाने की कोशिश की, लेकिन मेरा रिपोर्ट कार्ड कभी संतोषजनक नहीं रहा। सही, तो ये अभिव्यक्ति जो आज तक दबी हुई थी, वो सामने एटलीस्ट आ रही है, और जो महिला नहीं लिख रही है उसको इससे एटलीस्ट बल मिल रहा होगा कि बिल्कुल कुछ तो हमारी अभिव्यक्ति लिखी जा रही है। बिल्कुल। जी जैसे ममता कालिया जी हैं और मनु भंडारी जी जी और कई लेखिका हैं, जैसे चित्रा मुद्गल जी हैं, उनके तो मैं संपर्क में भी रहती हूँ, फोन पर भी अच्छा उनसे अच्छा वार्ता होती रहती जी है। जी जी तो ये लोग काफी अच्छा लिख रहे हैं, जी लिखते आ रहे हैं इतने समय से। बिल्कुल और बिल्कुल, अभी हल्द्वानी में आप थोड़ा सा सक्रिय हुई हैं, अभी तक आप चुपचाप घर में लिख रही थी, अब थोड़ा सा आप मित्र मंडली में, थोड़ा सा बाहर के दायरे में आना आपने शुरू किया है। कैसा लग रहा है आपको हल्द्वानी शहर, जो कि तराजू का शहर, मंडी का शहर कहा जाता था, वहां पर भी थोड़ा सा अच्छी सी साहित्यिक गतिविधियां अब होने लगी हैं। तो अभी आप जस्ट लिटरेचर फेस्टिवल में भी आपने ज्वाइन किया जी था, जी तो अब कैसा लग रहा है हल्द्वानी शहर, थोड़ा सा अच्छा है साहित्यिक लहजे से? हाँ सुनीता जी, जैसे आपने कहा कि मंडी का शहर, तो पहले तो इसको कुमाऊँ का बाजार ही कहते थे। बिल्कुल और जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है कि जितने अब ये प्राइवेट स्कूल्स की बाढ़ यहाँ पर आ गई है, ये भी नहीं थी। क्योंकि मुझे ध्यान है कि बाजपुर से और इधर से अल्मोड़ा GIC में पढ़ने लड़के जाते थे। ओ हाँ जी, लड़के भी वहाँ पर, मतलब कॉलेज की बात मैं नहीं कर रही हूँ, अल्मोड़ा GIC, क्योंकि काफ़ी प्रतिष्ठित अल्मोड़ा का माना जाता है एक समय में, तो वहाँ जाते थे। तो इसको कुमाऊँ का बाजार कहा जाता था। यहाँ पर साहित्यिक गतिविधियाँ बिल्कुल भी नहीं होती थी। बिल्कुल और जहाँ तक मेरी बात है कि पिछले 10 साल से मैं यहाँ पर रह रही हूँ, लेकिन थोड़ा स्वभाव से भी अंतर्मुखी और घर में ही रहने वाली, घर में ही लिखने वाली, ये मेरा स्वभाव था। तो पिछले कुछ समय से मैंने भी निकलना शुरू किया है, जी, और जो भी साहित्यिक गतिविधियाँ चल रही हैं तो अच्छा लगता है ये देखकर। अभी जैसे कि शिक्षक दिवस आने वाला है, और 20 साल तक आपने शिक्षा, अपने बतौर शिक्षक सेवा दी है आर्मी पब्लिक जी स्कूल अल्मोड़ा में, कैसे देखती हैं आप इस बदलते हुए समय को, इसमें एक शिक्षक की भूमिका को? सुनीता जी, शिक्षा की भूमिका तो हमेशा से ही महत्वपूर्ण रही है। और यह है कि पुराने समय में जो एक गुरु शिष्य वाली परंपरा थी वो प्रचलित थी, उससे थोड़ा सा तो अब हम हट गए जी हैं, जी क्योंकि बच्चों में भी इतना शिक्षक के प्रति लगाव या सम्मान की भावना हम नहीं देखते हैं। और शिक्षक भी कहीं कहीं पर थोड़ा सा अपने कर्तव्यों से विमुख विमुख हुआ हो है। रहे हैं। मैं जी सभी शिक्षकों की बात नहीं कर रही हूँ, जी जी लेकिन कुछ लोग हर जगह इस तरह के मिल जाते हैं। जी लेकिन फिर भी लगता है कि शिक्षक, मतलब वो भूमिका उसकी हट नहीं सकती बहुत ज्यादा, क्योंकि हम अपने बच्चों को देखते हैं कि वो शिक्षक की बातों को एज इट इज, नहीं जो मैम ने बोला है वही सच है, काफी मानते हैं। मतलब बिल्कुल, एक शिक्षक की बच्चों में बहुत भूमिका रिस्पेक्टेबल वो नहीं। उस तरह से है, हाँ और अगर बाकी शिक्षक जितनी पीढ़ियां तैयार करता है, वो बच्चे कभी आपको मिलते हैं क्या जो आपने पढ़ाए थे वहां? कैसा लगता है आपको कि इतनी जनरेशन आपने जो है निकाली है बच्चों की, तो आप इतना लिटरेचर आपका इंटरेस्ट है, तो क्या इस तरह का भी आप वहां पर आपके बच्चे कोई साहित्य में लिखने में कोई आए हों, या इस तरह की चीजें भी आपने उनको बताई होंगी? क्योंकि एक शिक्षक जब तक आपको दिशा नहीं देगा तो बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो कैसा लगता था आपको, कुछ अनुभव आपके हों, कुछ खास अनुभव वहां के? बिल्कुल सुनीता जी, जो अपने पढ़ाए हुए बच्चे हैं वो मुझे लगता है साहित्य के क्षेत्र में तो अधिकतर नहीं हैं, जी क्योंकि बच्चे सारे आजकल अधिकतर तकनीकी के ही क्षेत्र में हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अपने पढ़ाए बच्चे, अब आजकल एक सुविधा ये सोशल मीडिया की है, और पिछले 4 साल से पहले तो मैं सोशल मीडिया से भी नहीं जुड़ी थी। जी एक अकाउंट बना हुआ था फेसबुक पर, लेकिन उसको देखती नहीं थी, जी कभी साल भर में एक बार प्रोफाइल पे बदल ली, बस इतने तक ही सीमित थी। जी लेकिन पिछले 3-4 साल से मैंने उसमें अपनी पोस्ट डालना शुरू किया और लिखना शुरू तो अब किया। आपको लग रहा है कि एक अच्छा माध्यम है, हाँ अच्छा माध्यम है। और खासकर महिलाओं के लिए जिनके पास कई बार अभिव्यक्ति के बहुत सारे साधन नहीं होते हैं, वो जी घर जी पे ही होती हैं, तो उन महिलाओं के लिए भी एक अच्छा माध्यम है। बिल्कुल अच्छा माध्यम है ये। इससे हम लिखते हैं और पहचान मिलती है, और कोई कमी अगर हमारे लेखन में है तो उसको भी कई बार वरिष्ठ साहित्यकार जो हैं
हैं दुरुस्त करते वो इंगित करते हैं, हमको बताते हैं जी जी। और तो मैं वो बच्चे आपको मिले क्या? बिल्कुल बिल्कुल, वो सोशल मीडिया में वो बच्चे मिले और मिलके वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, और वो बच्चे भी और अपने साथ जो टीचर्स वगैरह थी वो मिले हैं। तो हम लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, एक फेसबुक ग्रुप भी है, जिसमें हम लोग अपने स्कूल की बातें और कोई भी नई वहाँ पर घटना होती है, इवेंट होता है, उसको लिखते हैं, इस तरह जुड़े रहते हैं। जी जी जी। तो अमृता जी, बहुत सारी बातें हो गई हैं, कुछ कहती हैं किताबें हमारे कार्यक्रम है, और आज हमने सिसकती सांकलों पर बात की। कोई बात छूट गई हो, कुछ और आप कहना चाहें हमारे तमाम लिसनर्स के लिए चलते चलते? आप कोई सवाल पूछना चाहें तो जी। कोई संदेश हो बतौर साहित्यकार आपका तमाम समाज के लिए, कि किस तरह से पढ़े हैं बच्चे हमारी नई पीढ़ी के, क्या पढ़े हैं, क्योंकि उनके पास एक खजाना है पढ़ने के लिए, अब तो मुट्ठी में है दुनिया। हमारे वक्त पे लाइब्रेरियों में हम खाक छाना करते थे, जाते थे पढ़ने के लिए, तो आज का बच्चा कुछ भी पढ़ सकता है और कहीं भी पहुँच सकता है। मतलब रास्ते, बुरे रास्ते भी हैं, अच्छे रास्ते भी हैं। तो कोई संदेश आपका हो? संदेश यही है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते समय बच्चों को तो सचेत रहना ही चाहिए, और हम बच्चों को नहीं कह सकते, छोटे बच्चों को, क्योंकि उन पर माता पिता को खासकर निगरानी रखनी होती है, क्योंकि हर तरह, जैसा आपने कहा कि हर तरह के रास्ते खुले हैं, अच्छे बुरे। तो अगर बच्चे को शुरू से ही हम अच्छाई की ओर ले जाएंगे या ध्यान रखेंगे तो बच्चे अच्छा साहित्य पढ़ेंगे। माता पिता की भी जिम्मेदारी है कि अच्छा साहित्य लाकर बच्चों को दें। अगर अंग्रेजी की किताबें दें तो कुछ हिंदी की भी दें, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो हिंदी का भी शब्द ज्ञान बच्चों को होना चाहिए। क्योंकि मैं देखती हूँ बच्चों को, बच्चे 12th पास कर लेते हैं लेकिन वो हिंदी में कोई फॉर्म भरने में उनको परेशानी होती है। अच्छी बात है, दूसरी भाषा सीखना पढ़ना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज बच्चे विदेश में जा रहे हैं, हर परिवार से एक आदमी आज विदेश में है, वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ अपनी मातृभाषा को पढ़ना समझना वो भी ज़रूरी है, और अच्छा साहित्य जी जिसमें कोई सीख हो, कोई सोच हो, कोई संदेश हो। बिल्कुल। तो अमृता पांडे जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे तमाम श्रोताओं के साथ आप इतना वक्त आपने निकाला अपना, इतना रूबरू हुई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी धन्यवाद सुनीता जी, मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। जी तो दोस्तों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को अंत तक सुनने के लिए। अगर ये बातचीत, ये कविताएं, अगर ये बातचीत, ये कहानियां आपको पसंद आई हो तो अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है हेलो हल्द्वानी नाम से, आपके फीडबैक का बहुत बेसब्री से हमें इंतजार रहेगा। इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।